इस वक्त की बड़ी खबर खिरी लखीमपुर से। लगभग एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस नहीं कर सकी चोरी का खुलासा। जाएं तरफ होने वाली आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी मशक्कत करने की बात कही जा रही है, परंतु इसका ठीक विपरीत नजारा उस समय देखने को मिला जब एक पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर चोरी की घटना खुलासा करने की मांग की। पीड़ित रामदत्त पुत्र मूलचंदन निवासी सेवड़ा पोस्ट लखपेड़ा चौकी रामापुर कोतवाली सदर जिला लखीमपुर खीरी ने प्रार्थना पत्र देते हुए लिखा है कि विगत 28 से 2021 को जब पीड़ित घर में सो रहा था तभी रात में 1 बजे अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर घर में रखी 56,000 रुपए की नकदी, 3 सोने की अंगूठी, 1 जोड़ी झुमकी, मटर माला, 2 जोड़ी कुंडल टप्स, LED चांदी की कमर, बिछुआ सहित अन्य सामाजिक चोरों ने घर से पार कर दिया। पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस को दी, परंतु एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी चोरी का खुलासा नहीं हो सका। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से चोरों की घटना का खुलासा करने की मांग की। कहाँ रहते हैं? क्या है मामला आपका जो शिकायत करने आए थे? 28/6/2021 को मैं 11 बजे 12:30 बजे पेशाब के बाहर गया, उसके बाद सो गए। घर में मझला लड़का सोया हुआ था और बाकी लोग सब लोग बाहर बरामदे में लेते हुए। क्या घटना हुई? जब मैं 3 बजे 3:30 बजे उठा और टी वी देखने के उठा तो उस समय वहाँ LCD गायब थी। LCD और जिसके घर में हमने हलचल मचाया तो वहाँ देखा वहाँ पर सबका 2 कमरों के तिजोरी टूटी हुई थी और सारा सामान उठा करके सब ले गए, चोर निकल गए। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस को फिर फ़ोन किया गया तो पुलिस सुबह आई, सुबह उन्होंने वीडियोग्राफ बनाया, इंक्वायरी किया। इंक्वायरी करने के बाद मुलजिम अभी तक नहीं पकड़े, मुलजिम अभी तक नहीं पकड़े गए। फिर हमने 29/6/2021 को SP साहब को आवेदन दिया तो उन्होंने बताया कि ये मैंने लिख दिया वहाँ थाना चौकी प्रभारी, वहाँ पर द्वारा कार्रवाई की जाएगी।